सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मनी व्यूज के अंदर मुझे क्रेडिट लिमिट जो कि 35,000 रुपए का मिला है, जो कि पहले आप लोग सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए कि 35,000 रुपए जो कि क्रेडिट लिमिट मिला है क्रेडिट कार्ड के अंदर, जो कि वीजा क्रेडिट कार्ड मिला है वो भी मनी व्यूज के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी मिला है या फिर आप लोगों को नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, तो दोस्तों इस अमाउंट को कैसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आपको कैसे ट्रांसफर करना है, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज जो कि यहाँ पे आपको नहीं लगेगा। अगर आप इनको एक महीना के अंदर रिटर्न कर देते हैं तो कोई भी चार्जेस यहाँ पे आपको नहीं देना होगा। काफी बेस्ट फीचर्स आया है वो भी मनी व्यूज के अंदर। तो दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे 35,000 रुपए का लिमिट मिला है, तो दोस्तों इस अमाउंट को मैं अपने अकाउंट में जो कि ट्रांसफर करके आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर नए आए हैं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो चलिए मैं यहाँ पे मनी व्यूज को जो कि ओपन करता हूँ। मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो रहा है, चलिए मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। सो गाइस, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रेडिट लिमिट जो कि मुझे 35,000 रुपये मिला है और लोन जो कि पर्सनल लोन मैं इस एप्लीकेशन से 2,00,000 रुपये लिया हूँ। गाइज, अगर लोन की हम बात करें तो यहाँ पर 2,00,000 रुपये लिया हूँ और क्रेडिट लिमिट जो कि मुझे 35,000 मिला है, जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस, तो चलिए मैं आपको लोन का कुछ डिटेल्स पहले दिखा देता हूँ। चलिए व्यू वाले पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है टोटल ईएमआई पर हम क्लिक करते हैं। सो गाइस, तो लोन मैं यहाँ पे 2,00,000 रुपए का लिया हूँ, जो कि मेरा ईएमआई जो है 8,165 रुपए, जिसमें से मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ईएमआई जो कि पेमेंट कर चुका हूँ। बाकी का ईएमआई जो कि मेरा बाकी है, नीचे आकर आप सभी देख सकते हैं, टोटल 36 ईएमआई यानी 3 सालों के लिए मिला है। टोटल 3 सालों के लिए 2,00,000 रुपए का लोन जो कि मुझे इस एप्लीकेशन से मिला है, जो कि आप सभी नीचे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि टोटल 36 मंथ के लिए यहां पढ़ भी सकते हैं आप लोग। 8,165 रुपए का मेरा ईएमआई है। गाइज, फर्स्ट ईएमआई जो है वो मुझे यहाँ पे पहला ईएमआई जो मुझे पेमेंट करना पड़ा था 11,915 रुपए का, और उसके बाद जो ईएमआई है 8,165 रुपए का। तो मैं बात करने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड लिमिट के बारे में। चलिए मैं यहां से बैक आ जाता हूं। सो गाइस, तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि 35,000 रुपये जो कि लिमिट मिला है। सो गाइस, तो चलिए मैं यहां पर ओपन कर लिया हूं क्रेडिट कार्ड का लिमिट। अब आप सभी देख सकते हैं यहां पर 35,000 रुपये लिमिट जो कि मेरा पूरा का पूरा अभी यहाँ पर बाकी है। तो मैं इस अमाउंट को जो कि आप सभी को अभी इस्तेमाल भी करके दिखाने वाला हूँ। गाइज, नीचे आकर अगर आप ट्रांजेक्शन देखें, सो गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 102 रुपये जो कि मैं 100 रुपये यूज किया था, तो 102 रुपये जो कि मैं यहां पे पेमेंट कर दिया हूं। चलिए मैं कुछ अमाउंट पहले इससे इस्तेमाल करके देखता हूं, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आप लोगों को दिखाता हूं। सो गाइस, तो चलिए मैं यहां पे अपने अकाउंट में जो कि कुछ अमाउंट आप लोगों को ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। तो अगर आपके पास मर्चेंट QR कोड है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर देख सकते हैं गाइज कि स्कैन एंड पे का ऑप्शन है, इस वाले पर हम क्लिक करते हैं। आप भी इसी वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर UPI ID भी दिया गया है, आप चाहे तो UPI के माध्यम से भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे QR कोड स्कैन का ऑप्शन है, इस वाले पर हम क्लिक करते हैं, और करने के बाद मैं अपना QR कोड जो कि यहाँ से स्कैन कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, तो चलिए मैं यहाँ पे अमाउंट डाल लिया हूँ 100 रुपये जो कि अमाउंट मैं यहाँ पे फिलहाल डाल लिया हूँ। तो गाइस, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे 100 रुपये का अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन फ़ीस जो कि 2 रुपये लगेंगे। चलिए हम यहाँ पे अगर 1,000 करते हैं, सो गाइज, अगर मैं यहाँ से 1,000 का अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ, सो गाइज, तो नीचे देख सकते हैं कि 15 रुपये जो कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन फ़ीस मुझे लगेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को जो कि 100 रुपये सिर्फ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद कॉमेंट में आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कॉमेंट में अपना नाम ही यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे पे नाउ का ऑप्शन है, इस वाले पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर जो कि आपका प्रोसेसिंग में रहेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो कि सक्सेस हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा देर यहाँ पे वेट करते हैं, प्रोसेसिंग में है। सो गाइस, तो अब आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर 3498 रुपये जो कि मेरा लिमिट हो गया है, यहाँ पे 102 रुपये पेमेंट करने का जो कि ऑप्शन आ गया है, जो कि आप सभी यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं।
सो गाइस नीचे देख सकते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन जो है वो फिलहाल अभी इन प्रोग्रेस में चला गया है सर्वर स्लो होने के कारण। नेट जो है इस समय मेरा काफ़ी स्लो है जिसके कारण यहाँ पे देख सकते हैं कि इन प्रोग्रेस में है। कुछ ही देर में जो कि मेरे अकाउंट में यह अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सो देख सकते हैं कि रीपेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी क्रेडिट कार्ड यानी मनी व्यू का क्रेडिट कार्ड अगर लिमिट आपको भी मिला है तो कुछ इसी तरीके से आप लोग जो कि अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यूपीआई के लिए आप लोगों को क्या करना है गाइस, यहाँ पे स्कैन एंड पे वाले हैं, इसी वाले पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो है गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है यूपीआई, इस वाले पर आप क्लिक कर लेंगे। और करने के बाद जो है गाइस यहाँ पे आप अपना चाहे तो यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। इस वाले बॉक्स में जो है आप अपना यूपीआई आईडी डाल देंगे, फ़ोनपे गूगल पे जो भी यूपीआई चाहे डाल सकते हैं। नीचे ऑप्शनल है, आप चाहे तो कुछ लिख सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी जो है यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो गाइस तो मैं ऊपर देख सकते हैं कि मैं यूपीआई आईडी जो कि मैं यहाँ पे डाल लिया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना नाम जो कि फिल कर लिया हूँ। अब चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू वाले पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए फिर से मैं यहाँ पे 100 रुपये डाल लिया हूँ। उसके बाद यहाँ कमेंट में फिर से मैं अपना नाम जो कि यहाँ पे फिल कर लिया हूँ। और करने के बाद गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से मुझे 2 रुपये लगेंगे सर्विस फीस। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पे पे नाउ वाले पे क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग में जो कि चला गया है, थोड़ा देर हम वेट करते हैं। अभी सर्वर जो है स्लो होने के कारण यहाँ पे इन प्रोग्रेस में चला गया है, थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और मेरे अकाउंट में जो कि पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये दोनों तरीके से जो कि आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो गाइस तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैसेज आ गया है और ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखिए कि सक्सेसफुल हो गया है। जो कि मैं अपना फ़ोनपे का यूपीआई आईडी यहाँ पे डाला था, जो कि आप सभी देख भी सकते हैं कि मेरे नाम से है यहाँ पे यूपीआई आईडी। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग जो है इस कार्ड का लिमिट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों तो कुछ इसी तरीके से आप लोग इस अमाउंट को जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसको कैसे रिटर्न करेंगे यानी रीपेमेंट कैसे करेंगे, वो तरीका नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।